एक नया इतिहास रचाएंगे, पढ़ लिख कर इस देश को साक्षर बनाएंगे। एक नया इतिहास रचाएंगे, पढ़ लिख कर इस देश को साक्षर बनाएंगे। आओ खुद अपनी मेहनत से रोजी कमाएंगे, सबसे प्यारा हिंदुस्तान बनाएंगे, हिंदुस्तान बनाएंगे। आओ मिलकर एक नया इतिहास रचाएंगे, पढ़ लिख कर इस देश को साक्षर बनाएंगे। प्रवेशिका के किसी भी पाठ पर आवश्यक चर्चा करने के बाद प्रतिभागी जब अक्षर और अंक सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं, तब उन्हें यह ज्ञान किस प्रकार दिया जाए, इसके लिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अच्छा बहनों, बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और पहचानते भी हैं। आज वही अक्षर मैं बोर्ड पर लिखूंगी और तुम सबको उन्हें पहचान कर बताना होगा, ठीक है? जैसे का, जा, जा, ना, पा, गा, और ये अड़ा, ठीक। अब इन्हें पहचान कर तुम्हें बताना होगा। तो कौन आएगा? सुनीता आएगी पहले। आओ सुनीता। अब इसमें से बोलो सुनीता, टा कहाँ लिखा है? बोलो बोलो, नहीं आता? हाँ, नहीं पहचान पा रही? चलो बैठ जाओ। तुम आओ शंपा, जल्दी आओ। इसमें से बोलो चा कहाँ लिखा है? बोलो बोलो, कहाँ लिखा है? तुम्हें भी नहीं आता? हाँ, तुम्हें चा नहीं पता? चल जाओ बैठ जाओ। तुम बोलो रेखा, इसमें से पा कहां लिखा? बोलो रेखा। सुनीता तुम बोलो, ये क्या लिखा है? बोलो, तुम लोगों में से बोलो कोई, ये क्या है? तुम लोग का अक्षर पहचानना नहीं आता? किसी को ये नहीं आता? हाँ, एक एक अक्षर मैंने 100-100 बार बताया, देखा ना आपने, प्रतिभागियों को आकार पहचानने में कितनी कठिनाई हुई, क्योंकि अनुदेशक को आकार पहचानने की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाई और लगने वाले समय का ज्ञान नहीं होता। आइए अनुदेशक के साथ आकार पहचानने का छोटा सा खेल खेलें। नमस्ते 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 सरोज, कहो क्या सोच रही थी? इतनी बार दीदी लोग इन अक्षरों के बारे में समझाते हैं, पर ये लोग अक्षर पहचान ही नहीं पाते। हाँ, तुमने बहुत मेहनत करी प्रतिभागियों के साथ में, पर वो अक्षर नहीं समझ पाए ना? नहीं समझ पाते दीदी, और हमें बहुत ही परेशानी होती है। अच्छा देखो, आज हम तुमसे इसी बात पर कुछ बात करने आए हैं। बोलिए दीदी। हा? देखो ये कुछ हम बना के लाए हैं, ये अक्षर हैं, इनको हमने कोई आकार दिया है। ये देखो, इनको कुछ आकार दिया है, हैं? अब क्या है कि हम एक बार तुम्हें बताएंगे, तुम इनको सीखने का प्रयत्न करो। अच्छा। देखो ये आ है, ये आ है, देखा? ये ना है, समझ में आया?
ये ला है, ये माँ है और ये रा है। समझ में आ गया कि एक बार और बताऊं? नहीं, समझ में आ गया। अच्छा अब बताओ कि ये क्या लिखा है? ये नहीं समझ में आया? देखो ये आ है, ये क्या है? आ है। अच्छा अब बताओ ये क्या है? माँ। माँ है, बहुत अच्छा। अब ये बताओ ये क्या लिखा है? आ। और ये ना। ना। अच्छा अब ये बताओ क्या लिखा है? नहीं पढ़ पाई। ये क्या लिखा है? इसको भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। देखिए सरोज जी, हम इतनी देर से कोशिश करते चले जा रहे हैं और आप हैं कि समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। जरा सोचिए तो कि आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपको अक्षरों की पहचान भी है, तब आप आकार को नहीं पहचान रही। उन प्रतिभागियों के बारे में सोचिए कि जिन्होंने कभी अक्षरों की पहचान भी नहीं करी है, तब आप उनसे कैसे उम्मीद करती हैं कि इतने समय में वे अक्षरों को पहचान जाएं? हाँ दीदी, अब मैं समझी कि जब मैं इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी इन अक्षरों को पहचानने में इतनी देरी कर रही हूँ और इतनी तकलीफ हो रही है मुझे, फिर वे बेचारी तो, उन्हें तो अक्षरों का ज्ञान ही नहीं है। ठीक है दीदी, आज से मैं उन्हें देर तक समय दूंगी और धैर्य और सहानुभूति से काम लूंगी। बहुत अच्छा। अच्छा अब मैं चलूं। अच्छा दीदी, नमस्ते। नमस्ते। अक्षर की पहचान दो प्रकार से संभव है। पहला, अक्षर को देख करके पहचाना जा सकता है। दूसरा, उसको आकार देकर हाथ से छूकर पहचाना जा सकता है। अनुदेशक को चाहिए कि दोनों विधियों से खूब अभ्यास कराए। हाँ, तो ईमा कुछ अक्षर लिखे हैं, ईमा में से सब जने के यहाँ का पहचाने का, ठीक? हाँ, तो सब जने पहचाने की कोशिश करो। आ जाओ तो नहीं नजदीक है सब जने। अभी वहां में से हमका का ढूंढ के नी दे, चलो ठीक है? हाँ। ढूंढ ले हो ना? हाँ। चलो ए ये देखो, अभी वहां में से का ढूंढ सब जाने। और तुमने कहा जाओ नजदीक के पहचानो। देखो हाथे लगाए देखो तुमने। हाँ हाँ तुम्हें देखो चंपा, वैसे देख लियो भाई तना का। देखो दीदी पहचान नहीं ना? का पहचान नहीं है? हाँ। और तुम नहीं पहचान पाई? अच्छा अब ये देखो कुछ अक्षर है, ईमा मैं से तुम लोगों का पहचाने के। अब तो सब जनी पहचान लियो ना? हाँ। तो देखो ये कौन कौन से अक्षर है, आईमा में से का कौन सा है, ठीक? चलो पहचानो जरा, कोशिश करो सब जनी। चलो का पहचानो आईमा में से कि का कौन सा, आई का जरा छुई के नहीं देखो, ठीक? चलो सी दुलारी आईमा में से या ढूंढो कहाँ है। ढूंढो क्या? हाँ। नहीं नहीं ये गलत है। तो सही कौन है? या। हाँ देखो या जान के यू आया, यू तो वाई। देखी पेपर उंगली फिरा आया। Thank you.
देखो दीदी ठीक है। हाँ, यह काम आ समझ गई समझे जी। कहीं भी काम लिखा जाता है, है? देखो का है, काम के बाद आगे डंडा है और माँ सब मिला का ही जा। अब ये रस्सी के थोड़े से टुकड़े हैं, अब इनसे तुम लोगों का जोड़ के नी काम लिखेगा। चलो सब जने कोशिश करो, हमको काम लिख के नहीं दिखाओ। क्या भी लिखी हो भैया लोग, अब तक आप लोग अक्षरों को पहचानना और उनको पढ़ना तो जान गए हैं ना? हाँ जी। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं अक्षर लिखना और अक्षर जोड़कर शब्द बनाना। तो इधर देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, कौन सा अक्षर है? बड़ा आ। और ये क्या है? हाँ, तो आप लोग अपना पाठ दो खोलिए किताबों में। अच्छा। पार्ट नंबर दो, पार्ट दो। देखो ये देखिए, हाँ इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं और ऐसी देख ले उनका निकाल दिया। आम वाला क्या पढ़ते हो भाई? पार्ट यहाँ पढ़ने के बाद घर पे आप लोग नहीं कुछ देखो पढ़ते हैं? बढ़िया पार्ट दो ये है ना, फोटो ये हाँ भाई खोल लिया ना सब लोगों ने। तो अब हम लिख रहे हैं, पहले लिखिए आप बड़ा आ, आ बड़ा आ, ये मिटालिए, क्या लिखा था आपने इसको मिटालिए, बड़ा आ और माँ, ये मिलकर क्या होगा? कितना हाँ चलो चलो चलो, हाँ हल्के से इतनी जोर से नहीं ऐसे। हाँ लिखे हो बेटा जी? देखो हाँ बहुत अच्छे, शाबाश। और भैया महावीरा तुम लिखे हो नहीं लिखे हो? अरे अभी यही अटके पड़े। अरे महावीरा इतने दिन हो गया तुमका सिखावत हुए और भाई तक बत्ती पकड़े नहीं आवत है। चलो दाहिने हाथ में पकड़ो, मुंह का ताक रहे हो, पकड़ो ना। हाँ ये ऐसे देखो, हाँ लिखो लिखो, कोशिश करो कोशिश करो, शाबाश। और एक गोला और, हाँ ऐसे ही नीचे घुमाओ। हाँ अब यहां से एक लाइन खींचो। ओफो, जैसे हल जोत रहे हैं, धीरे धीरे। हाँ आराम से, हाँ शाबाश। एक और, ये क्या होगा? बड़ा आ। अब माँ बनाओ, यहाँ शुरू करो। अरे और यहाँ से बगल से, हाँ हाँ ए, चलो यहाँ से छोटा सा गोला बनाओ। देखो ए ई देखो, माँ है ना एमा लिखा, ऐसे ऐसे। फिर कह रहे हैं जरा धीरे धीरे लिखो, दबाओ ना बत्ती। चलो हाँ मिला दो, गोला मिला दो। हाँ बस एक मिनट,
एक आगे बढ़ाओ ये लाइन, ऐसे देख देखो ना लिखा है नहीं, कई बार समझा चुके हैं, बेड़ी डंडी ऐसे खींच दे। हाँ शाबाश। हाँ ये क्या हो गया? आम। आम सब लोगों ने लिख लिया ना भाई? हाँ तो भैया ऐसा है कि अब आप लोग सब अपने अपने घर जाओ और किताब और तख्ती साथ ले जाओ और घर जाए करके सब एक दोना ना है। अच्छा 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 तो आज खत्म कर रहे हैं क्लास हम। चली हाँ चलिए। नमस्ते नमस्ते। क्यों प्रभु भाई क्या हो रहा है? आइए आइए मित्तल भैया कहिए। नमस्कार। नमस्ते। आज केंद्र कुछ जल्दी खत्म हो गया? हाँ मित्तल भैया, हुआ है कि आज हमने प्रतिभागियों को अक्षर और अक्षर जोड़ करके शब्द लिखना सिखाया। अच्छी बात है, मगर चूंकि पहली बार लिखवा रहे थे तो काफी कठिनाई आई होगी। जी हाँ, अब क्या बताएं मित्तल भैया, जिस प्रतिभागी को देखिए वो दाहिने हाथ के बजाय बाएं हाथ में बत्ती पकड़े हुए थे। अब जिसे देखो जो लिख रहा था इतनी जोर जोर लिख रहा था कि बत्ती टूट जाती थी, लगता था लिख नहीं रहे हैं जैसे हल जोत रहे हों। अच्छा प्रभु भाई, ऐसा कीजिए आप अपने बाएं हाथ से इस बोर्ड पर कुछ लिखिए, लिखिए ना कुछ। अच्छा, भी कुछ भी लिखिए। मित्तल भैया क्या बताएं, बाएं हाथ से लिखने का तो अभ्यास है नहीं, इसलिए उंगलियां दर्द होने लग गईं। काफी कठिनाई आई ना? देखिए आप तो इतने पढ़े लिखे हैं तब भी आपको बाएं हाथ से लिखने में इतनी परेशानी हुई। अब उन लोगों के बारे में सोचिए, उन लोगों ने जिंदगी में कभी पहले कलम पेन या बत्ती तो पकड़ी नहीं। कमाल है मित्तल भैया, भला ये बात अब तक मेरी समझ में आई क्यों नहीं। हाँ, जिन प्रतिभागियों ने अपनी जिंदगी में कभी पेन कलम या बत्ती पकड़ी ना हो, भला वो कैसे लिख पाएंगे? तो हम आपको जो आज पढ़ाएंगे ये रेखाएं और आकार के विषय में, हैं? कैसे रेखाएं बनती हैं, कैसे आकार बनते हैं, और उसके बाद अक्षर के बारे में बताएंगे, हैं? कि अक्षर कैसे बनते हैं। अच्छा आपने अपना स्लेट चौक निकाल लिया सर? सब निकाल लिया? हाँ तो ठीक है, अब जरा आराम से और गौर से देखो है कि पहले हम बना दी छोटी रेखा है, ये क्या बन गई? छोटी रेखा है। अब इसके बाद बड़ी रेखा कैसे बनती है? इससे ये बन गई बड़ी रेखा है, इससे बड़ी है ऊपर वाली से है। अब इसके बाद तिरछी रेखा कैसे बनती है? ये देखो ये तिरछी रेखा इधर बनी है, ऐसे अगर इधर का बना है ये तिरछी रेखा इधर बन गई है। अब बना रहे हो ना आप सब लोग? बनाते भी रहे ना। अच्छा आप गोला कैसे बनता है? आधा गोला, पहले आधा आधा गोला, ये आधा गोला देखो इधर का गोला ये बना है, इधर से घुमा के बनाया है, अब उधर से घुमा के आधा बना रहे, ये देखो इधर से आधा घुमा के बना दिया है। अभी के बाद पूरा गोला कैसे पूरा गोला बनाए थे, ये देखो इधर से घुमाए के ये बन गया पूरा गोला। अब चाहे इधर से घुमा के यू बना लो और चाहे इधर से घुमा के यू बना लो है, बन गया है। अभी के बाद हम आपका बताएं कि अक्षर कैसे बनाते हैं। अब देखो आराम से देखो है, ये पहले हम बनावा पूरा गोला
है, बड़ा पूरा गोला। अब इसके साथ मिला के आधा गोला, थोड़ी सी कम कर दिया इसको, ये है बना। अब रेखा दे, सीधी रेखा कैसे खींचे, इसी के मिला के ये सीधी रेखा है, और ऊपर से ये लाइन खींच दी, सीधी रेखा ये हो गई है। हाँ का है, का है, तो आप सब लोगों ने बनाया, जा देखें तो। हाँ हाँ हाँ, कैसे आराम से बनाओ। हाँ एक गोला खींचो, पूरा गोला खींचो, गोला का बात है ननको भैया, आप आधा गोला ही में मिला दो, थोड़ा कम। हाँ हाँ, मैं सीधे लकीर लगा दे, हाँ सीधी रेखा दे, नीचे हाँ नीचे की रेखा दो, अब ऊपर एक रेखा दे दो, देखो जैसे ही बन। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसी रेखा, हाँ सीधी सीधी खींच दो, देखो बन ही नहीं रहा है। हाँ हाँ बस 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 बस, वही का कावात है, कावात हमको बहुत अच्छा है। हाँ किसे नहीं बन रहा, बन नहीं रहा, अब ये आराम से बनाई हो तो भाई तो बनी है। हाँ तो भैया लोगों, अब भैया आप कहाँ बनाए सीखे रहो, कहाँ हाँ सब सीख लियो ना अच्छी तरह, बिल्कुल भली तरह। अब हम तुमका अंक गान देवे, अंक ज्ञान देवे। अच्छा ये बताओ कि ये हमारे हाथ में चौक कितनी है, याक है ना है। अच्छा बुद्धिराज तुम्हारे घर में बैल कितने हैं, बैल तो वही दुई हैं, दुई हैं। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा, रामदीन, रामदीन। अब भैया तुम्हारे कितने लड़के बच्चे हैं, चार, चार। तो इसका मतलब ये भा कि ये एक दुई तीन चार बोले तो सब जाने तो, लेकिन लिखे नहीं मालूम है कैसे बना हुआ जाते एक दुई तीन चार। हाँ तो हम तुमका बताई भैया कैसे बना थे, एक कैसे दुई कैसे तीन है, तो जरा गौर से देखो। हाँ ये देखो, ये देख रहा हूँ ये एक है, जैसे पहले देखा रेखा एक खींची रहा सब वही मिला के बना है ना। देखो पहले सीधी रेखा ही है ना, है ना, है ना, और ये एक नीचे से ही देखा है, और ये देखो थोड़ी तिरछी यही मार है, तो कहा बन गया एक, हाँ बना तो रहे सब लोग। अब देखो ये बिंदुन का देख रहे हो, बिंदुन का आपस में ये देखो चौक से मिला चलो, तो देखो कहा बनी है, दुई बन जाए। हाँ पहले बिंदु बना लियो, यू का आया है, सांप लगे हम काले बैठे। ये देखो ये कहा बन गया, दुई दुई बन गया है ना, एक दुई है, ऐसे आगे का तो बना रहे भैया सब लोग। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ तुम ठीक है, क्या बात है, क्या बात है, तुम नहीं बना पा रहे हो, कहा है क्या नाम है तुम्हारा, रामदीन, रामदीन है यार, बन तो रहा है देखो तो, बना तो है जरा और आराम से बनाओ, मटर भी देखो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अक्षरों का आकार पहचान लेने और लिखने का पूरा अभ्यास हो जाने के बाद उनको पढ़ने का भी अभ्यास कराना होगा। इसके लिए सिखाए गए अक्षरों से बने हुए शब्दों को अधिक से अधिक प्रतिभागियों के सामने रखना होगा। पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, डगर है नई आज इस पर चलेंगे, वाह पढ़ेंगे लिखेंगे। पढ़ाने की कुछ विधियां आपने देखी, वैसे तो ये एक शोध का विषय है, इसमें कई प्रकार के प्रयोग किए जा सकते हैं, इसमें प्रेरक अनुदेशक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ अनुभव के आधार पर सीखने की कुछ विधियां हमने आपको बताई, उसमें ध्यान रखने योग्य बातें इस प्रकार हैं, प्रौढ़ों के साथ आदर के साथ पेश आना, अक्षरों को देखकर और हाथ से छूकर पहचान करवाना, आकारों को बनाने का अभ्यास कराना,
सिखाए गए अक्षर और शब्दों को प्रतिभागियों के लिए अधिक से अधिक स्थानों पर उपलब्ध कराना।